आज हमारा नौजवान जो गुमराह हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। और उलमा को क्यों कहते हैं? मेरे रसूल ने उलमा को जिम्मेदारी बताई, फरमाया उलमा के उलमा वारिस है। ये नहीं फरमाया कि हर घर को जाके खटका मारो। तुम क्या जिंदा नहीं है घरों में? तुम्हारी औलादें क्या करें? तुमको इल्मी है? तुम्हारी औलादों को पेट्रोल डलाकर अय्याशी करने के वास्ते हमने कहा? क्या हमने तुम्हारी औलादों को नाचने के लिए कहा? क्या हमने तुम्हारे महलों में आकर स्पीकर लगाकर पैसे देकर उनको नचाया? क्यों उलमा को बदनाम करते हैं? क्यों उलमा पे उंगली उठाते हैं? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, अगर तुम उलमा पे उंगली उठाएंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे को हक उलमा खत्म हो जाएंगे। हक कहने वाले आपसे कहने डरेंगे, मगर हम डरते नहीं मियां। जो हक बात है, जो अच्छी बात याद है, तुम्हें कह दो फाजिल, जो होना है वो क्या रहेगा, अल्लाह मालिक है उसका। हमारे को यकीनन बहुत अफसोस है, और हम जहां जो प्रोग्रामों में जो बदमाशियां हुए हैं उसकी मजम्मत करते हैं, वहीं हमारी हुकूमत से अपील है कि संडे फंडे खत्म करो, वरना आपका संडे फंडे हम कर देंगे। इंशाल्लाह बोले यार, मुंह तो हिलाओ यार। आज आप सब बोलिए मेरे साथ, ये संडे फंडे प्रोग्राम बंद होना चाहिए या नहीं? बंद होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। हाथ उठाओ सब जने, यहाँ बैठा हुआ उनके लोग बैठे हुए हैं और आज देख लेते हाथ उठाए तो। ये बंद होना चाहिए। हम हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं, ये अगर बंद नहीं करे तो फिर आपका तख्ता पलट के रख देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने